एक चीज रिवील करूं आज, टेप लगा के वॉलपेपर लगाया था। ओम शाम शामो शाशा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग होता है कुछ इस तरह से स्टार्ट। तो आज है 5th of May गाइस, आज तारीख है, आज डेट है 5 तारीख को मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ और कल है 6। अब मैं ये डेट क्यों आज पहली बार बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो गैस कर चुके होंगे, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ आज 5th May है और कल 6th May है। तो बस मैं डेट याद दिला रहा था खुद को और कुछ नहीं है। भाई तो है नहीं आज घर में, वो सुबह ही करीब करीब ऐसी 3 से 4 बजे के टाइम पे वो निकल चुका है दिल्ली के लिए, वो दिल्ली में गया है सचिन भाई, ठीक है, और बाकी सब तो हैं घर पे। तो मैं कहीं ना कहीं मैं अपना काम वाम जो है वो निपटाने के बाद मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा घूमी घूमी कर रहा हूँ या फिर कुछ देखते हैं। वैसे तो मेरा घर से बाहर जाने का वैसे मन नहीं करता, बट फिर भी देखते हैं वो चीज़ें। पर हाँ, आज 5th of May है, मैं नहीं जाऊँगा आज, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, नहीं कहीं नहीं जाऊँगा, 1% हुआ तो मैं कल जाऊँगा। इतना सारा डेट अनाउंस करने के बाद तो आप लोग भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या है ऐसा क्या है। आज 5th May है, कल 6th May है। कल हम लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है और वो स्पेशल डे मैं देखता हूँ मैं किस तरह से मनाता हूँ, मुझे क्योंकि मुझे पता है कि क्या होने वाला है। तो मैं शायद से वो चीज़ें होता है ना, छोड़ो। और हाँ, ये चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं इस रूम में सोया नहीं था, मैं नीचे ही सोया था, बट मैं इस रूम में सुबह ही आ जाता हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह यहीं पे बैठ के कर लेता हूँ मैं, क्योंकि नीचे शोर रहता है ना यार, बच्चे बच्चे कैचे चैचे चैचे, तो मुझे वो चीज़ हजम नहीं होता है। मैं यहाँ पे बैठ के सिंपली एडिट करके तब मैं नहा धो के फिर मैं नीचे जाता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं। और ये मेरा डेली का रूटीन होता है। मम्मी आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है माते लेक्सी तो देख रही है मुझे। हमारी पूरी छत पे गाइस कुछ ना कुछ सूख रहा है, जैसे कि यहाँ पे मिर्चे सूख रही है, यहाँ पे चादरें डाल रखी है दो। अब आप सोच रहे हैं कि इस पे क्यों नहीं डाला, क्योंकि इधर की साइड पे पेड़ हो जाते हैं, उधर ऑलरेडी वो गद्दा पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे डाल दिया। फ्लोर बिल्कुल क्लीन था ना, क्योंकि बारिश भी पड़ के चुकी है, तो इस वजह से हमने यहीं पे डाल दिया। अब मम्मी यहाँ पे बैठेंगी थोड़ी देर, इनका डेली का ये आती है यहाँ पे बैठती है थोड़ी देर फिर जाती है। अब थोड़ी सी बातें हाँ बोलो। मेरा जो चोट है गाइस उसका बहुत बुरा हाल है, उसमें ये पकड़ यार क्या लगाऊं, ट्यूब मैंने लगा दिया तो लग गया, फिर वो ऐसे ही खुला पड़ा। तो अभी हम लोग नहा धो लेते हैं, अब थोड़ा सा ही काम मेरा बचा है, वो काम निपटा के मैं नहा लेता हूँ जल्दी से और फिर चलते हैं। अभी मैं नहाया नहीं हूँ, बस अभी मेरा काम निपटा है और मम्मी मेरे को बुला रही है नीचे, क्योंकि मैंने सुबह से ओबियसली चाय नहीं पिया है, तो मम्मी कह रही है पहले चाय पी ले उसके बाद नहा लेना। तो अब मुझे यही करना पड़ेगा, अब मेरा मन भी यही कर रहा है क्योंकि मुझे भूख सा लगा है, क्योंकि मैंने रात भी खाना नहीं खाया था। तो अभी चलते हैं। एक चीज़ रिवील करूँ आज, अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में बात ये है कि अब हम अगर फ़ोन को मुझे रखना होता है तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ट्राईपॉड नहीं है, मैं एक दो दिन में ट्राईपॉड लेके आऊँगा, डोंट वरी, मैं इतना गरीब नहीं हूँ। पर अभी मेरे पास नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने सीट को उठा के यहाँ पे रख दिया था। अरे बाप रे, पर मैं लेके आ जाऊँगा, ठीक है, परेशान ना हो ना। चलो नीचे खाना खाऊंगे। ये रूम तो तब तक अंधकार भरा लगता है जब तक, अरे ये कुछ चेंज सा लग रहा है मम्मी। अब चेंज क्या लग रहा है गाइस, वहाँ पे वो टंगा हुआ था वो नहीं है अब, गिटार था यहाँ पे वो भी नहीं है अब, और ये जो था यहाँ पे एक वो लगा दिया था कि पता नहीं कौन से दिमागदार ने वो लगाया था, उस पर टेप लगा के वॉलपेपर लगाया था, पता नहीं कौन से दिमागदार ने लगाया था। मतलब वॉलपेपर लगाने के लिए जो ग्लू आता है वो ग्लू ही नहीं लगाया था, वॉलपेपर को लगाया था टेप से। एक्चुअली लगाया किधर पता है, क्योंकि हमारे घर में ना ये बहुत ऐसे करके भुरभुरा है, ये देखो आप, है ना, अब ये पूरा पूरा मतलब पूरा ही
खत्म हो चुका है। किसने लगाया था मम्मी वो वॉलपेपर टेप से? अच्छा, तो ये कज्जो का दिमाग था। तो ये कज्जो का दिमाग था भाई। मैं कहूँ हमारे घर में जो सबसे ज्यादा दिमाग सही रखती है वो कज्जो ही रखती है, उसी का दिमाग हो सकता है। कज्जो का दूध आ गया हम। धन्यवाद। चलो भाई दूध ले लिया। चाय, थैंक्स मम्मा, चाय। चलो भाई चाय मिल गया मुझे। तो भाई लोग, मैंने आराम से ब्रेकफास्ट किया और मैं ऊपर आ गया फिर से, क्योंकि मुझे अभी काम करना है थोड़ा सा, तो मैं काम कर लूँगा। हाय हाय, बालों का हाल देखो मेरे, बड़े हो रहे हैं बहुत बाल। सोच रहा हूँ कट करवाऊँ, पर फिर दिल में आ रहा है नहीं यार, फिर पोनी वाला सपना चला जाएगा। नहा के आता हूँ। और ये मैं गया, ये मैं आ गया, नहा लिया भाई अच्छे से, फ्रेशन अप हो गया मैं अभी अभी। ऊपर से नीचे उतर के आया, नीचे उतरते ही ना मैं उतर ही रहा था, जीने पे मम्मी ने बोल दिया वो कहाँ गया आज सुबह से, दिखा नहीं है वो उधर। मतलब ये ना अभी क्या है, वो जो पिल्ला है वो जो उधर रहता था, वो वाले की बात कर रहा हूँ। अब मैं पूरे में ढूंढने लगा उसको, ठीक है। मैं इधर गया, पूरा इधर तक गया मैं, वो पूरा मुझे पता है कि वो उस घास में जाके सो जाता है। पूरे में ढूंढ लिया, क्योंकि मैं अंदर जा ही रहा था, मैंने सोचा इधर और देख लूँ यहाँ सो रहा है ये। मतलब घर के पास, घर के ये बैठक वाले गेट के जस्ट सामने सो रहा है। सही है, इसको जहाँ आराम मिल रहा है, मतलब यहाँ पे छाया पड़ रही है पेड़ की, प्लस ठंडक भी है थोड़ा सा, तो यहीं पे मजे काट रहा है ये। सही है यार, सोने दो। अब एक चीज़ बहुत अच्छी है, अब ये सीन है कि अब ना ये खुद ही मतलब टहल रहा है, मतलब पूरे में टहला टहली करता है, आराम से घूमता घामता है, घास वास खाता रहता है, फिर खाना इसको टाइम से मिल ही जाता है। जब ढूंढ ढांड के, अभी मैं खाना देने के लिए तो ढूंढ रहा था इसको, खाना कहाँ दूंगा, तो मतलब मस्त घूम घाम के आके यहाँ पे आराम से सो जाता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है इसकी। मम्मी पता है कहाँ सो रही है? पता है कहाँ पे? बिल्कुल बैठक वाले गेट के सामने अपने? और क्या, बैठक के गेट के सामने आराम से पेड़ की छाया में ठंडे ठंडे पर्च में मजे ले रहा, पूरे में घूम घाम के यहीं पे सो रहा है आके। चल मम्मी, ओम शोम शामु शाशा, ओम शोम शामु शाशा। मम्मी तुम्हारी तरह मेरे बाल भी हो गए पता है तुम्हें? पता नहीं तुम्हारे, तो खैर तुम्हारा तो फिर भी उम्र हो गया मम्मी, मैं तो अभी से गंजा हो गया। गंजी हो गई तो क्या हो गया, पैसा आएगा। ओम शोम शाम शाशा, ओम शोम शाम शाशा। मम्मी ऐसे करो, ऐसे दांत नीचे करो, हाँ बिल्कुल सही, कितनी सुंदर लग रही थी। अब ऐसे करके करो, ऐसे डराते थे, ऐसे करो, ऐसे ऐसे, हम कैसे डराते, ऐसे करें। भाई साहब सब अपने अपने सही सही है, सब हम छोटे छोटे हैं ना, तो एक दूसरे को ऐसे डराते हैं। मम्मी तुम ना इतनी इतनी बड़ी बिंदी लगाओ ऐसे करके, इतनी गोल गोल, और यहाँ पे काला काला करो। बड़ी सुंदर लगोगी मम्मी, बहुत ही सुंदर। देखो अब कितनी सुंदर लग रही है, फुंदर, कतई फुंदर। ओम शोम शाम शाशा। अरे मम्मी बड़ी डरावनी लग रही हो। नहीं सच्ची में इस वक्त बड़ी डरावनी लग रही है। नोच क्यों रही हो बताओ, नोच रही हो? पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे हैं हम, पड़े पड़े हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, पर जो भी है सही है। सचिन से अभी अभी बात हुआ, सचिन बोल रहा है कि मैं अभी अभी जस्ट निकला हूँ काम से, तो गाइस अभी अभी सचिन से बात हो गया है, सचिन बोला है मैं अभी जस्ट निकला हूँ काम से, देखते हैं। मतलब अभी वो जस्ट वहाँ से अभी जस्ट उसने कदम बाहर निकाला है, तो मतलब कि उसको ऐसी दो बज जाएगा, एक दो बज जाएगा रात का आते आते यहाँ पे। भाई साहब बहुत टाइम लगेगा उसको आज। तो इन भाई साहब को खाना दे दिया हमने, ये यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं,
क्या, चलो अब अंदर, इसमें इसमें लैक्सी को पानी दे देना अब, ठीक है। चलो इसको खाना दे दिया। और मेरे ना यार अभी फिर से चोट लग गया मेरे तो, मेरी तो मतलब शामत आई हुई है, मैं क्या ही बताऊँ। पर इसमें जो चोट लगा वो थोड़ा सा ही था, मैंने हल्दी भर लिया तुरंत अत्यंत। हाँ हाँ कर रहा हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ थोड़ी देर, ऊपर मतलब वॉशरूम वगैरह जाना है मुझे थोड़ा सा। मंजू तुम कहाँ हो, क्या ले आओगे अभी ये उठा के? हैं गद्दा? जी जय करो तुम मंजू, जय करो। पूरे में ना यार अंधेरा ही अंधेरा पड़ा है, पूरे में अंधेरा होके रखा है, क्योंकि वो लाइट आया था ना तो बहुत ज़्यादा, जब ओले पड़ के चुके तो लाइट इतनी 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 तेज आया कि पूरे घर के बल्ब में भट 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 करके फ्यूज़ होने लगे, और सारे बल्ब फ्यूज़ हो गए। बट अंदर का बल्ब और किचन का बल्ब जो है वो हमने जला रखा है, रूम का भी जला रखा है, बट ऊपर के पूरा फ्यूज़ हो गया, ये वाला भी निकाल दिया, ये वाला भी फ्यूज़ हो गया, इधर का बैल्कनी का भी फ्यूज़ हो गया है, लाना पड़ेगा कल को जाके। तो गाइस अभी हम लोग खाना वाना खा रहे थे बैठ के, और बातें चल रही थी, पता है क्या बातें ही चल रही थी हम लोग, क्योंकि अभी सचिन आया नहीं है यार, तो हम लोग ये सोच रहे हैं जब वो रात में आएगा तो वो, उसका ये रहता है अगर वो बाहर से कहीं से आता तो अलग लेवल की तुर्रमगिरी झाड़ता है, मतलब तुर्रमगिरी इन द सेंस में बताता हूँ आपको, मतलब मेरी ये चीज़ कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, मुझे खाने को दो, मुझे ये दो। और सबसे ज़्यादा मसला पड़ता है उस टाइम पे पड़ता है खाने का। अब क्या मम्मी ने बनाई है दाल जो कि सचिन को पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है उसको वाली दाल। कॉल आता है तो बोलता है मुझसे कि खाने में क्या बनाया है, मतलब उसका फ़ोन भी भाई खाने को पूछने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो उसने उसको क्या है, सचिन में ये आदतें हैं, सचिन में हमारे ये आदतें हैं कि बाहर ले ही वो पूरा दिन खाता रहे, पूरा दिन खाएगा बाहर, पर उसका पेट घर की एक रोटी से ही भरता है। उसमें यह रोटी मिल जाए, ब्रेड मिल जाए, मतलब घर पे आके ही उसका थोड़ा बहुत खा के फिर पेट भर जाता है। एक की क्या पापा की आदत ना कि बाहर कितनी भी तगड़ी दावत हो। अच्छा हाँ, हमारे घर शादियों में पता क्या होता है, मम्मी की आदत है ये, सबकी आदत है, मैं बताता हूँ क्या होता है शादियों में। सपोज करो किसी की शादी है, ठीक है, आप शादी होगी तो यार सब लोग खाना पीना डिनर वहीं पे रहता है जैसे, तो अगर कोई भी पार्टी फंक्शन शादी जो भी होता है भाई साहब, तो फिर खाना वहीं पे ही रहता है रात का। तो हम लोगों का क्या रहता है, जिस उस दिन मम्मी को खुश होना चाहिए कि हाँ चलो शादी है अब बाहर खाना हो जाएगा, मुझे एक टाइम का खाना नहीं बनाना पड़ेगा, पर मेरी मम्मी दुखी हो जाती है वो दुखी हो जाती है, कहती है कोई बात नहीं खा कितना भी लिए, घर पे जाके मांगेंगे ही मांगेंगे, क्योंकि हम लोगों का पूरा कहीं से कितना भी खाया है यार कि बाहर पेट ही नहीं भरता, मतलब घर पे आके खाना ज़रूरी ज़रूरी है, अच्छा थोड़ा सा खाएं पर घर पे आके खाना खाएंगे ही खाएंगे। और ये सभी की आदत है, ये चीज़ ट्रू है, ये सभी की आदत है। तो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।